पहले ही लेट होने के लिए माफी चाह लेता हूं, क्योंकि मैं आज लेट हो गया थोड़ा सा। बट अगेन आज मुझे वीडियो करने का मन बिल्कुल नहीं था, एंड आई विल टेल यू इट ऑनेस्टली। आज मैंने बिल्कुल सोचा था कि आई विल टेक अ रेस्ट डे, आज का दिन थोड़ा लीव दे के कल वीडियो करूंगा। बट उसके बाद मैंने देखा आज का मैच है हैदराबाद वर्सेस ओरिसा एफसी, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि भाई जितना भी रात हो, जितना ही मैं बाहर जाऊं, आज तो मैच रिव्यू होने वाला है, क्योंकि ओडिशा के बहुत सारे हमारे चैनल में फैंस है, बहुत सारे कैप्टन है हमारे चैनल में ओडिशा एफसी के, बहुत है, कुछ का तो नाम भी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे। देयर आर लॉट ऑफ टन्स ऑफ फैंस देयर, फुटबॉल ओडिशा प्रियदर्शन एंड लॉट ऑफ गाइस देयर हु वॉचेस आवर वीडियो, बहुत सारे अननोन एंड बहुत ऐसे जिनका नाम मैं राइट नाउ भूल रहा हूँ, बट द जगदीश एंड ऑल दोस गाइस, एवरीबॉडी वॉच आवर शो, और वो बार बार बोलते कि भाई आप ओडिशा का मैच क्यों नहीं रिव्यू करते, और भाई कोइंसिडेंटली जिस दिन ओडिशा का मैच होता है मेरा कुछ ना कुछ काम रह ही जाता है। तो आज मैंने डिसाइड किया कि मैं आज तो ओडिशा वाला मैच करने वाला हूँ। सो मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ, आज मेरे करने का डेट नहीं था, आज मैं रेस्ट लेने की सोच रहा था, बट भाई इसलिए थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मैं सच बात बोलूँ तो मुझे बाहर निकलना था, मेरा एक काम था। सो काम से लौट के फिर मैं वीडियो करने के लिए बैठा हूँ, बिकॉज आई नीड टू डू दिस, क्योंकि ओडिशा फैंस डिजर्व दिस मैच। सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और आज का वीडियो है बिटवीन ओडिशा एफसी एंड हैदराबाद, और वहां पे बेसिकली ओडिशा एफसी ने 3-0 गोल से हैदराबाद एफसी को हराया है। इसका रिव्यू तो मैं जरूर करूंगा, पहले बोल दूं आज एक ऐसा गेम था जहां पे ओडिशा एफसी के सारे प्लेयर्स ने अच्छा फुटबॉल खेला है। हार्डली एक ऐसा गेम होता है जहां पे मैं बोलूं हर एक फुटबॉलर ने अच्छा फुटबॉल खेला है। यस दिस वॉज द मैच जहां पे हर एक फुटबॉलर, राणा वारे, मुइथोंगनेम, फूल, फॉल, दक्षिणा मूर्ति, लालथंग नांगा, गोडार्ड, रॉड्रिगेज, कृष्णा, मॉरिशियो, वेलनानुरातफेला, सब ने अच्छा फुटबॉल खेला है, सब ने। इवन प्रिंसटन रेबेलो कमिंग ऑन फ्रॉम द बेंच प्लेड अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट गेम एज वेल। और हैदराबाद की मैं बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे निंदा नहीं करूंगा, हैदराबाद को मैं बिल्कुल बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। हैदराबाद का मैंने कैप्शन में लिखा है डिस्ट्रॉयड, बट वो राइट वर्ड नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि हैदराबाद एफसी की जो टीम है ना, उनके प्लेयर्स को सैलरी मिल रही है ना, उनके स्टाफ को सैलरी मिल रही है, वो इसके बाद भी फुटबॉल खेल रहे हैं, टीम में सिर्फ एक ही फॉरेनर है जोआ विक्टर। अगर मैं उनको क्रिटिसाइज करूं देन मुझसे नीच, गलीच और बुरा आदमी है ही नहीं दुनिया में। सो मैं बिल्कुल उनकी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, और हैदराबाद एफसी के सारे ही मैचेस में मैं उनके फुटबॉल के बारे में ज्यादा कुछ डिस्कस भी नहीं करूंगा, पॉजिटिव ही डिस्कस करूंगा, बुरा तो कुछ नहीं करूंगा। और एक ही पॉजिटिव है भाई उनके लिए, भाई रब्बी प्लेयर कुछ अलग ही बंदा है भाई, ही इज अ गुड प्लेयर, होपफुली ही विल गेट सम चांसेस एट अदर प्लेस एज वेल। मैं पहले ही बोल देता हूँ, आई विल एक्चुअली टेल यू द ट्रूथ। सो पहले ही एक चीज आपको बोल दूं, ओडिशा एफसी आज किस लिए जीती, कैसे जीती, गोल्स आप सभी ने देखे तो नथिंग टू डिस्कस अबाउट दैट, बट ओडिशा एफसी के गेम में अगर आप प्रॉपरली आज देखो, यू गाइज विल फील इट। मैं हर एक दिन बोलता हूँ ना, आज मुंबई ने विंग के ऊपर डिपेंड किया, विंग से बॉल क्रिएट कर रहे थे, एक दिन मैं बोलता हूँ मोहन बगान के विंगर्स नहीं चल रहे, सेंट्रली वो लोग क्रिएट कर रहे हैं, ईस्ट बंगाल के लिए बोलता हूँ काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, आज ओडिशा ने कंप्लीट फुटबॉल खेला है, ये तीन टाइप के फुटबॉल है ना, तीन एक साथ खेले हैं। ओडिशा जब काउंटर अटैक में भी वो बार बार आ रहे थे, उन्होंने विंग्स का भी प्रॉपरली इस्तेमाल किया, जहां पे कृष्णा मॉरिशो बार बार ओवरलैप कर रहे थे विंग के पोजीशन में, और वैन लालनुरातफेला वो भी विंग में अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे थे। कृष्णा मॉरिशो ओवरलैप का मतलब डिफेंसिव ओवरलैप नहीं, बेसिकली पोजीशन इंटरचेंज कर रहे थे बार बार, एक विंग और एक स्ट्राइकर में, एंड दे डिस्ट्रॉयड द ओपोनेंट, डिस्ट्रॉयड, आई मैं फिर से बोलता हूँ, इट्स अ वेरी हार्श वर्ड अगेंस्ट हैदराबाद एफसी, बट बहुत बहुत अच्छा फुटबॉल खेला है उन लोगों ने। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्यों बोल रहा था कंप्लीट फुटबॉल वो खत्म कर लू, विंग से अटैक क्रिएट किया, सेंटर ऑफ द पिच से साई गोडार्ड, लेनी रॉड्रिगेज और पुईतिया को यूज करके सेंटर ऑफ द पिच से भी बॉल क्रिएट किया, और डिफेंस से लॉन्ग बॉल खेला, सब कुछ एक ही टीम ने एक ही मैच में एक ही साथ किया है, एंड दैट इज वाई ओडिशा एफसी आर द मोस्ट डेंजरस टीम इन द लीग। ईस्ट बंगाल से शायद वो फाइनल हार गए थे, बट सच बात तो यही है, एंड ऑल द जमशेदपुर फैंस एज वेल, आपका वीडियो भी आएगा जब इसी वेरियो वाला न्यूज, ये मुझे खत्म कर लेने दो। ओडिशा एफसी एक ऐसी टीम है किसी भी पोजीशन से किसी भी सिचुएशन में कैसे भी गोल मार सकती है, दे आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम, और मैं देखना चाहूंगा ओडिशा एफसी और मोहन बगान का गेम जो सेकेंड लेग में होने वाला है, जब मोहन बगान के एंटोनियो लोबेज हवास कोच होंगे। हवास इज नोन फॉर हिज डिफेंसिव मास्टर क्लास एंड लोबेरा इज नोन फॉर हिज अटैकिंग मास्टर क्लास, मैं देखना चाहता हूँ व्हेन एन अनब्रेकेबल फोर्स, अनब्रेकेबल थिंग मीट्स एन अनमूवेबल फोर्स, और जो भी बोलो, मैं गलत भी हो सकता हूं, जो भी हो,
दैट विल बी द मैच दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, अगर अगर हवास अपने टीम को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं तब तक. बट वॉट अ ब्रिलियंट गेम बाय फ्रॉम ओडिशा एफसी. रानावारे, दक्षिणा मूर्ति और उनके जगह में जो बाकी प्लेयर्स आए, प्रिंसटन रेबेलो आए और बाकी प्लेयर्स, हितेश शर्मा का आज प्रैक्टिकली डेब्यू हुआ, 79 मिनट में उनको पिच में उतारा, ही प्लेड अ वेरी डिसेंट इन अ फुटबॉल एज वेल. मुझे लगता है कि भाई ओडिशा एफसी का फुटबॉल मुझे देख के मजा लगता है, ये मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी टीम खुद मोहन बगान है और जुआन फर्नांडो के अंडर मुझे मोहन बगान की गेम अच्छी नहीं लगती थी. मैं देखता था हर एक मैच, मुझे अच्छा नहीं लगता था. नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी टीम है जिनका फुटबॉल मुझे अच्छा लगता है, ये सब पैचेस में वो इनकंसिस्टेंट है, बट नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा, ओडिशा तो बेस्ट, ओडिशा इज नंबर वन, और ऐसे कुछ टीम्स, पंजाब, इनके गेम देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है. ओडिशा का गेम अगर आप न्यूट्रल न्यूट्रल के साथ देखोगे, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल काइंड ऑफ फुटबॉल दैट यू विल एवर सी. व्हाट अ ब्रिलियंट ब्रांड ऑफ फुटबॉल, कैसा फुटबॉल, एक डिफेंसिव ऑर्गेनाइज वे में फुटबॉल खेलना, बॉल को पास करना ठीक ठाक से, कभी डायगोनल बॉल, कभी हॉरिजॉन्टल बॉल, कभी वर्टिकल पासिंग, कभी स्लो करना गेम को, कभी फास्ट करना. ओडिशा एफसी द मास्टर्स ऑफ इट. सो ओडिशा एफसी जितना सीजन सीजन मैच जा रहा है, दे आर बिकमिंग होल लॉट ऑफ गुड, और 14 मैचेस में 30 पॉइंट्स लेके वो अब पॉइंट्स टेबल में नंबर वन पे है. फैक्ट ये है कि मोहन बगान और गोवा, इन दोनों ने सिर्फ 11-11 मैच खेले हैं और मुंबई ने 12 और केरला ने 13 मैच खेले हैं. अगर मैं ये पकड़ के चलता हूँ कि सारे ही टीम्स अपने मैच जीत जाते हैं, देन एफसी गोवा फिनिश करेगी 14 मैच में विद हाउ मेनी पॉइंट्स, वो फिनिश करेंगे विद 39 पॉइंट्स. बेसिकली 9 पॉइंट्स का गैप होगा बिटवीन ओडिशा एंड एफसी गोवा. और एफसी गोवा का एक चीज जो मुझे लगता है, ओडिशा, मुझे लगता है ओडिशा और एफसी गोवा में नेक एंड नेक कंपटीशन होगा, क्योंकि मुझे लगता है एफसी गोवा माइट ड्रॉप सम पॉइंट्स, क्योंकि एफसी गोवा मुझे लगता है, बट अगेन नहीं भी कर सकती है, बट मुझे लगता है दे कैन ड्रॉप पॉइंट्स. अगर मोहन बगान अपने सारे गेम्स जीत लेते हैं, देन मोहन बगान विल ऑल्सो कम एट अ 29 पॉइंट्स रेट. मोहन बगान भी सिर्फ 10 पॉइंट पीछे होंगी. एंड अगर एफसी गोवा, इफ और एफसी गोवा को केरला, मुंबई, मोहन बगान, उड़ीसा सबको खेलना पड़ेगा, सेकेंड हाफ में आप 4 या 5 टीम्स को आईएसएल शील्ड के लिए फाइट करते हुए देख सकते हो. ये मेरा खुद का मानना है, कैन टोटली बी रॉन्ग, बट बहुत अच्छा फुटबॉल हमें सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में जरूर देखने को मिल सकता है. एंड मुझे ये एक चीज अजीब लगता है कि AIFF जो प्लान शेड्यूल कर रही थी इस लीग को, क्या सोच के शेड्यूल कर रही थी, कुछ टीम्स 11 मैचेस खेले लाइक एफसी गोवा एंड मोहन बगान. और एफसी गोवा, कीप इन माइंड, वो एफसी कंपटीशन नहीं खेलते, एफसी गोवा नॉर्मली फुटबॉल खेलते, दे हैव ओनली प्लेड 11 गेम्स, मोहन बगान हैज प्लेड 11 गेम्स, ईस्ट बंगाल जो कोई एफसी कंपटीशन नहीं खेलती वो भी 11 गेम्स खेले है सिर्फ, एंड द रेस्ट ऑफ देम आर 12, 13, 14. मुझे इसका कुछ दिमाग में सही नहीं बैठ रहा इसका रिजल्ट, बट आई विल नॉट टॉक अबाउट इट मोर, आई विल मूव ऑन टू द कमेंट्स, और उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द सिवेरियो न्यूज. Destroy is not the right word. Yes, Diamond, मैं खुद मानता हूँ that is not the right word. Rajiv, good. Replacement for Alan Stevanovic, El Khayati, बिल्कुल नहीं, El Khayati has moved to Europe. BP Suhail, JFC में नहीं आ गया क्या? नहीं, he will not come to Jamshedpur. और क्यों नहीं आने वाले ये मैं आपको नहीं बताऊंगा. मुझे एक इंटरनली एक न्यूज मिला है क्यों नहीं आ रहा है, और वो सुन के आप हंसते हंसते आपका पेट फट जाएगा. That is a very funny reason why he is not coming to, और basically management की गलती से ही वो नहीं आ रहे. But I will not tell you the reason, क्योंकि भाई मुझे मेरे जिसने मुझे बोला है, जैसे जिसने मुझे बोला है, I can't disclosure to you क्यों नहीं आ रहा. भाई Champions Plus Shield Odisha FC, बिल्कुल, they look like a totally different kind of a team. Severio really looked good in the squad of JFC. Yes, he looked good in the squad of JFC, and I will discuss about it here as well. Jamshedpur FC, yes, love from Odisha, thank you भाई. Odisha played more games than FC Goa, so they had advantage in the league table. और मैं एडवांटेज की बात मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा. एफसी को आपने सारे मैच अगर जीत दिया, देन दे विल बी अ 39 पॉइंट्स, 9 पॉइंट अहेड ऑफ ओडिशा एफसी. और देखो भाई, अगर एफसी को के हाथ में अभी भी एक हैदराबाद मैच है, सो वो जीतेंगे. सो बेसिकली 12 मैचेस हो जाते हैं, उसके बाद उनके पास बचते हैं सिर्फ 10 मैचेस. अगर 10 मैचेस में वो 7 भी जीत लेते हैं, दैट विल बी गुड इनफ फॉर देम. बट क्या वो 7 मैच जीत पाएंगे, जहां पे सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में लीग बहुत कंपिटिटिव हो चुका है, विद जमशेदपुर, ईस्ट बंगाल, पंजाब, बेंगलुरु, मोहन बगान, मुंबई, एफसी गोवा. ये एक आईपीएल जैसा एक सिचुएशन है, जहां पे आईपीएल की फर्स्ट टीम और लास्ट टीम में क्वालिटी का डिफरेंस बहुत कम होता है. यहाँ पे अगर आप हैदराबाद को निकाल दो और चेन्नई को इस टाइम पे निकाल दो, मोस्ट ऑफ द टीम्स आर इन जेन्युइनली गुड फॉर्म एंड आर प्लेइंग जेन्युइनली गुड फुटबॉल. तो सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में अगर कोई भी टीम 7 या 8 मैच जीत पाती है, जो टॉप 4 में या टॉप 5 में है, दे कैन गो एंड विन द शील्ड. इतना ही क्लोज होने वाला है द सेकंड पार्ट ऑफ द सीजन. सो ये मेरा खुद का मानना है, कैन टोटली बी रॉन्ग विद इट एज वेल. Lot of respect for the players of Hyderabad FC without money. बिल्कुल भाई, goalkeeper signing Odisha का भाई, इसके ऊपर news करना बेकार है भाई, क्योंकि he is not playing any game.
आई विल मेक एनी न्यूज अगर वो होता है, क्योंकि भाई मैं अगर सेकंड टीम के रिजर्व टीम के प्लेयर्स का भी करने को शुरू करूं भाई कंटेंट खत्म नहीं होगा, बट द प्रॉब्लम इज जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो मिस हो जाएंगे। एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट एलन स्टेवानोविच? बिल्कुल मेरे पास कोई नहीं है, बंदा कहां पे है आई डोंट नो। ओलिवर द्रोस्ट हैव अराइव्ड? यस, ओलिवर द्रोस्ट हैज अराइव्ड एंड ही विल प्ले द नेक्स्ट मैच अगेंस्ट मोस्ट प्रोबेबली चेन्नई। भाई क्यों गोलकीपर पहले से था तीन? भाई ये एक रिजर्व टीम का साइनिंग है भाई। सो आईएसएल शेड्यूलिंग इज एक्चुअली फनी, ये तो मैं बोल चुका हूँ, आई टोटली अग्री विद यू मोहम्मद ऑन दिस वन। तीन नहीं, ओएफसी के पास दो गोलकीपर है, दे एक्चुअली हैव मोर देन थ्री और फोर गोलकीपर, उनके पास यूथ टीम भी है ओडिशा की। वी नॉट टॉकिंग अबाउट होकिंग फॉर सम चेंजेस नेक्स्ट ईयर? बिल्कुल, नीरज लोन डील में चला गया है बीएफसी के पास। लोबेरा शुड बी इंडियन नेशनल टीम कोच, ही कैन बिकम अ गुड गुड कोच एज वेल। डू यू थिंक दैट इफ एनयूसी साइंस गैलेगो देन द फैंस विल फिल अप द स्टेडियम? बिल्कुल नहीं, टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तो जरूर लोग वैसे ही देखेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड न्यूज, वो है जमशेदपुर एफसी के बारे में, जावीएससी वेरियो टू जमशेदपुर एफसी। और जावीएससी वेरियो, जब जमशेदपुर में पहला ये न्यूज ब्रेक हुआ था कि ही इज कमिंग इन प्लेस ऑफ स्टीव आमरी, बहुत लोगों ने अपने नाक सिकुड़े थे कि भाई बिल्कुल क्यों क्यों ये डील हो रहा था, एंड आई वॉज वन ऑफ देम, आई वोंट लाई। अब वीडियो के यूट्यूब में सामने आके मैं अगर एक्टिंग करूं कि मैं बहुत खुश था उस डील से, बिल्कुल एक्टिंग नहीं करूंगा। आई वॉज ऑल्सो नॉट हैप्पी विद द डील और डिसीजन, वट एवर यू कैन से। सो वहां से जाके जो फुटबॉल उन्होंने खेला है, मतलब ओडिशा, मतलब जो टीम जैसा फुटबॉल जावीएससी वेरियो ने पहले गेम में खेला है, आई वॉज प्रीटी हैप्पी फॉर देम। बहुत लोग बोल रहे कि सीवेरियो ने अच्छा फुटबॉल नहीं खेला, बट व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ गाय हु इज प्लेइंग हिज फर्स्ट मैच? और सीवेरियो एक ऐसे टाइप के प्लेयर है, ही विल वेरी मच सूट अ काउंटर अटैकिंग फुटबॉल। ईस्ट बंगाल में भी काउंटर अटैकिंग फुटबॉल होता था जरूर, बट उस टीम में आपके लिए गोल करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था एक स्ट्राइकर के लिए। बेसिकली यू आर फाइटिंग विद क्लेटन सिल्वा फॉर द पोजीशन ऑफ स्ट्राइकर, उसके बाद आप चांसेस मिस नहीं कर सकते। बट फॉर जमशेदपुर एफसी सिर्फ उनका काम गोल नहीं, उनका काम बहुत हद तक हैदराबाद एफसी में जो उनका काम होता था वही यहाँ पे भी उनका काम होगा। बेसिकली टीम के गेम प्ले को भी बिल्ड करना होगा, डेनियल चिमाचुकू के साथ अच्छा लिंकअप करना पड़ेगा, वहां पे वो बार्टोलोमे ओगबेचे के साथ बहुत अच्छा लिंकअप करते थे। सो हियर ही हैज अ चांस टू लिंकअप विद डेनियल चिमाचुकू, और वहां पे एक 4-4-2 फॉर्मेशन में सपोर्ट स्ट्राइकर का रोल बहुत अच्छे से खेल सकते हैं जावीएससी वेरियो अलोंग विद डेनियल चिमाचुकू जो फिनिश करेंगे। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो बेसिकली 4-4-1-1 फॉर्मेशन में जो पहला वन है वो होंगे, एंड एज अ रिजल्ट मिडफील्ड के साथ भी लिंकअप उनका बहुत अच्छा हो सकता है। और भाई देखो, जावीएससी वेरियो इज अ स्पेनिश प्लेयर, ही इज जेन्युइनली गुड विद हिज पासिंग। ईस्ट बंगाल में, ईस्ट बंगाल का स्टिंट भूल जाओ, रिमेंबर इज हैदराबाद स्टिंट। ही इज अ वेरी गुड पासर ऑफ द बॉल, वेरी गुड टेम्पो कंट्रोलर, बॉल को होल्ड कर सकते हैं, ही कैन होल्ड द बॉल वेल एज वेल, और उनका हेडिंग बहुत अच्छा है, ही विंस अ लॉट ऑफ ड्यूल्स। सो जमशेदपुर के लिए ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी यूटिलिटी डील, इसमें कोई डाउट नहीं है, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई जमशेदपुर हैज ब्रॉट द गाय इन फॉर द टीम एज वेल। इसमें कोई डाउट मेरे दिमाग में तो नहीं है, एंड दिस इज समथिंग दैट जमशेदपुर इज लुकिंग फॉरवर्ड टू एज वेल। और एक टीम जो मुझे लगता है जमशेदपुर और एक चीज के पीछे जरूर भाग रही है राइट नाउ इन दिस सीजन, वो है जमशेदपुर आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स फॉर द नेक्स्ट सीजन। और सिर्फ ये साइनिंग सिर्फ इस सीजन की बात नहीं है, अगर उनका फुटबॉल अच्छा होता है ही माइट गेट अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एज वेल। क्योंकि आप अगर जानते हो खालिद जमील को वर्क पेसी अच्छे प्लेयर्स जिनका वर्क रेट अच्छा है, ऐसे प्लेयर्स अच्छे लगते हैं, इन दैट कैटेगरी जावीएससी वेरियो विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज वेल, जो मुझे लगता है। डू यू थिंक दैट गुरप्रीत कैन हैव गुरप्रीत फॉर्म हैव डिप अलॉट? यस, गुरप्रीत फॉर्म हैज डिप्ड, बट अलॉट नॉट, बट अगेन टीम का भी इसमें एक बहुत हाथ है। अगर आपका डिफेंस अच्छा ना हो देन यू कांट एक्सपेक्ट मेनी बिग थिंग्स टू हैपन। ओडिशा विल प्ले फोर मोर गेम्स इन नेक्स्ट 5 days, ऑलरेडी वन प्लेड। यही बोल रहा हूं, देर इज नो लॉजिक इन ऑल ऑफ दिस। एक्स्ट्रा गोलकीपर फॉर डू रन कप, देखो ओडिशा क्यों खेल रही है मैं जानता हूं, क्योंकि ओडिशा विल प्ले द कॉन्टिनेंटल कप, एएफसी कप, तब वो मैचेस मिस करेंगे। एडवांटेज फॉर एफसी गोवा, यस कैन बी एडवांटेज फॉर एफसी गोवा, बट मेरे लिए ये एडवांटेज नहीं, मेरे लिए डिसएडवांटेज है। मैं चाहता हूं एफसी गोवा और भी ज्यादा गेम खेल ले, क्योंकि देखो भाई आपको ये लगता है कि भाई मेरे पास बहुत इन हैंड गेम्स है, आई कैन विन, बट आप सारे गेम शायद नहीं जीतो। So, अगर आप इन पेस चलो, मुझे लगता है वो है एफसी गोवा के लिए ज्यादा अच्छा होगा, रेदर देन एक टीम सारे मैच खेल के 7-8 पॉइंट। बेसिकली आपके हाथ में अगर 5 मैचेस रहते हैं ओपोनेंट के ऊपर, उसके बाद आप बेसिकली देखो, लेट्स से वो एफसी गोवा ओडिशा से 6 पॉइंट पीछे है, बट ओडिशा एफसी ने 5 गेम्स ज्यादा खेले हैं। इन पेपर इट लुक्स है कि मेरे लिए तो इजी, आई विल गेट 9 पॉइंट्स और मैं आपके ऊपर एक अच्छा खासा 6 पॉइंट का लीड ले लूंगा। बट सच बात तो ये है कि समटाइम्स ये एक ड्रेसिंग रूम में एक प्रेशर आ जाता है कि वी हैव टू विन दिस गेम, वो हमसे आगे चले गए हैं। दिस इज समटाइम्स वेयर अ टीम जेन्युइनली ड्रॉप पॉइंट। मुझे अभी भी याद है लोबेरा तब मुंबई के कोच और मोहन बगान के कोच थे हबास। मुंबई सिटी एफसी कम मैच खेल रही थी, मोहन बगान ज्यादा मैच खेल चुके थे, एंड मुंबई के पास बहुत अच्छा एडवांटेज था, दे जेन्युइनली शुड हैव गॉन एंड विन।
बट जब मोहन बगान 3 या 4 मैचेस आगे खेल के 6 या 7 पॉइंट की लीड ले चुकी थी, जो कुछ बड़ा लीड नहीं था, वह मतलब मुंबई इजीली कर सकती थी, मुंबई एक्चुअली स्टार्टेड टू फॉल्टर, मुंबई एक्चुअली स्टार्टेड टू लूज पॉइंट्स सम पॉइंट्स, और लास्ट में एक पॉइंट आ गया था जहां पे मोहन बगान अगर 2 मैचेस में 1 जीतती है दे वुड हैव क्वालिफाइड, बट दे डिडंट, दे कुडंट, एटी के मोहन बगान। सो सर ये मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक वी शुड हायर यंग फॉरेन रेफरी टू ट्रेन इंडियन रेफ इफ नॉट पॉसिबल इंप्लीमेंट वार। ट्रू, विल एफसी गोवा बीट ओएफसी? वो भाई ये मैच में प्रेडिक्ट नहीं करूंगा, इट विल बी अ ब्रिलियंट मैच। डू यू थिंक टीम्स लाइक बीएफसी, सीएफसी, ईबीएफसी, जीएफसी आर लुकिंग फॉर द फ्यूचर? ईस्ट बंगाल और बेंगलुरु तो कर रही है, जीएफसी और बीएफसी के बारे में मैं बोल नहीं सकता भाई। 3rd February रेफरी बाची दीचे हवा सर कुआद्रते थे कोचिंग सीखते हुए। डोंट ओवर रिएक्ट अभिजीत भाई, डोंट ओवर रिएक्ट। मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि हबास ने अपने पहले गेम में आके, हबास ने अपने पहले गेम में आके उन्होंने क्वाड्रात के सुपर टीम जो सुपर कप जीत चुकी थी उस टीम को ड्रॉ कर दिया है। सो और उसके बाद शायन ने जो फाउल किया है, शायन शुड हैव गॉट अ रेड कार्ड, उसने जो फाउल किया हैमिल के ऊपर, दैट डिडंट गॉट अ रेड कार्ड। सो रेफरी ने बिल्कुल नहीं बचाया, रेफरी ने बिल्कुल नहीं बचाया, रेफरी ने ईस्ट बंगाल को बचाया। ईस्ट बंगाल के पहले गोल में जहां पे आयुष छेत्री ने किया है, बेसिकली पैर मोहन बगान प्लेयर के हेड में लग रहा था भाई। बिल्कुल ये सब ढकोसले मत बोलो, ये फैक्ट है कि कुछ डिसीजन मोहन बगान के फेवर में आए, बट ये भी सच है कि कुछ डिसीजन ईस्ट बंगाल के फेवर में भी आए हैं। डोंट टॉक लाइक सिर्फ मोहन बगान को एडवांटेज मिला है। सो हाउ डू यू रेट सना एंड निखिल इन द फर्स्ट गेम्स इन बीएफसी? निखिल के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि राइट बैक के लिए नए टीम में आना बहुत मुश्किल की बात है। एस और सना सिंह डिसेंट एनफ, डिसेंट, कुछ मिस्टेक्स हुए, टीम हार भी गई, बट बेसिक्स जो था मुझे कुछ बहुत बुरा नहीं लगा। फर्स्ट गेम में कुछ मिस्टेक्स हुए, बट अगेन फर्स्ट गेम में मैं क्या ही एक प्लेयर को जज करूं। विल एफसी गोवा बी एबल टू फिल द वॉइस ऑफ विक्टर एंड जिंगन इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द अनबीटन रन? मुश्किल है भाई, जेन्युइन मुश्किल है, क्योंकि मैं देख रहा हूं जब से विक्टर और जिंगन गए हैं एफसी गोवा, मुझे वो वाली एफसी गोवा दिख नहीं रही है। कैन एनी एफसी बीट ईस्ट बंगाल? दे जेन्युइनली कैन। मैं बोलता हूं अगर नॉर्थ ईस्ट अपने पे उतर आई वो किसी भी टीम को हरा सकते हैं, बट कब अपने में उतर आएगी ये एक क्वेश्चन है भाई। फरहान, सीएफसी वर्सेस बीएफसी प्रेडिक्शन? आई डोंट हैव एनी भाई। व्हाट्स गोइंग ऑन इनसे जमशेदपुर टेल ना भाई, जिसने मुझे बोला है, मैं एक चीज बोल दू, फिजियो की गलती है। ये जो डील नहीं हुआ, बेसिकली ये जो डील नहीं हुआ वीपी सुहेर का, इसके लिए फिजियो, द बेसिकली जो उनके मेन फिजियो है वो टू सम एक्सटेंट दोषी है, एंड आई विल नॉट टेल एनी सिंगल वर्ड मोर देन दिस, क्योंकि भाई जिसने मुझे बोला है वो बाद में मुझे और कुछ नहीं बोलेगा अगर मैं ओपन यूट्यूब में बोल दू भाई। ब्रो हु इज योर फेवरेट? और देखो भाई जिसने मुझे बोला इट्स अ रूमर, ठीक है रूमर, इट्स अ टोटल रूमर, मैं कुछ सच बात नहीं बोल रहा कि यही सच है, यही सच पकड़ के चलो, इट्स बेसिकली रूमर जो मुझे मिला है, गलत भी हो सकता है भाई। ब्रो हु इज योर फेवरेट फॉर द 6th स्पॉट इन आईएसएल राइट नाउ? ईस्ट बंगाल, मुझे लगता है ईस्ट बंगाल इज द फेवरेट फॉर द 6th स्पॉट राइट नाउ। ईस्ट बंगाल से अच्छा मुझे कोई टीम नहीं दिख रहा 6th स्पॉट में जाने के लिए। सुपर कप जीतने के बाद ईस्ट बंगाल आर माय फेवरेट्स क्वालिफाई फॉर द 6th पोजीशन। कुछ हिंट दे दो जेएफसी के मैनेजमेंट के बारे में, मैंने हिंट दे दिया भाई। भाई क्या लगता है सीएफसी का अटैक चलेगा या डीएफसी का डिफेंस? बीएफसी का डिफेंस, बिकॉज सीएफसी आर ऑल्सो इन अ बैड फॉर्म, और आकाश सांगवान को छोड़ देने के बाद मेरे पर्सनल खुन्नस है उनके साथ। व्हाई यू लीव सच अ गुड प्लेयर? आई थिंक सीएफसी इज अनएंबिशियस। हु शुड स्टार्ट अगेंस्ट एनयूएफसी? नेस्टर, टॉमी ज्यूरिच और बोथ? Tommy Zurich should start. Tommy Zurich. Who will support EBFC? Who will support and who will you support NUFC? Bhai, of course, Northeast meri second team hai. I will support Northeast. Isme kya doubt hai? Hawad nije kuadrat ke bola chhe coaching shekhanor jonno. Ekdom. Obhijit da okhane dari chilo. Jokhon bola chhe. Bhai, Zaragoza ke saath BFC ka era rahega agar usse long stint mila. He needs to get a long time. जो जिसको भी कोच करो, you need a long time. भाई जेरेमी मंजोरो should play a defensive midfielder and second up player and attacking midfielder and senior come to defensive midfield. छोड़ दो भाई जो भी हो रहा है छोड़ दो, लॉर्ड हमारे खुद द ग्रेट खालिद जमील सर के ऊपर वो जो करेंगे करेंगे, बट टैक्टिकली इट्स वेरी गुड भाई। शोबिक नॉट प्लेइंग इन आईएसएल, नॉट एबल टू प्ले। जो सुपर कप का सस्पेंशन मोहन बगान मैच में कैरी हुआ और जो आईएसएल का सस्पेंशन था वो कैरी होगा आईएसएल के सेकेंड मैच में। क्या ओसिमन चेल्सी आएगा? अब तक तो फुटबॉल हब लग तो ऐसे ही रहा है कि ओसिमन चेल्सी आएगा, जितना फैब्रिजियो बोल रहा है इससे ज्यादा तो कोई नहीं बोल सकता। नेक्स्ट सीजन इन ऑल आईएसएल टीम्स विल प्ले 27 गेम्स? यस, हो सकता है 2 टीम्स आ सकते हैं मे बी, बट जितना मुझे न्यूज मिला है ओनली 1 टीम इज कमिंग।
जो भी होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, एंड अंटिल देन इज गुड बाय फ्रॉम अंबे एंड टाटा, सब्सक्राइब करो चैनल को।